नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग जहां से पिछली बार इस चैप्टर टेन को छोड़ा था हिस्ट्री की किताब चल रही क्लास एट्थ की आखिरी चैप्टर ये आखिरी वीडियो इसके बाद ये जो क्लास एट की हिस्ट्री किताब है ख़त्म हो जाएगी हम लोग मूव ऑन करेंगे क्लास नाइन्थ की हिस्ट्री किताब पे तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो हैवी इंडस्ट्री है ये जो इकॉनमी है इस इकॉनॉमी के ऊपर स्ट्रिक्ट स्ट्रेट रेगुलेशन के साथ आगे बढ़ रहे थे इन सब चीज़ों को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया नेहरू जी की पॉलिसी थी और बहुत सारे लोगों ने इसको अपोज भी किया जब अपोजिशन की बात आती तो यहां पर समझना है कि अपोजिशन किस बेसिस हुआ बहुत सारे लोगों ने बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्री पे तो बहुत ध्यान दे रही है बट वो एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दे रही बहुत सारे लोगों ने बोला कि प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है और बहुत सारे लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि भाई इन्वायरमेंटल इंप्लीकेशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है महात्मा गांधी जी की एक फॉलोअर थी मीरा इन्होंने फोर्टी में लिखा बाई साइंस एंड मशीनरी ही मतलब मैन काइंड हम सब लोग मे गेट ह्यूज रिटर्न टाइम बट अल्टीमेटलीशन वी है फिजिकली हेल्थी एंड मॉरली डी स्पेश मतलब की जो भी साइंस है जो भी हमारी तरफ चारों तरफ मशीनरी है जो भी टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक डेवलपमेंट है यह हमको भाई कुछ समय के लिए तो रिटर्न देगी कुछ समय के लिए हमारी लाइफ को लग्जूरियस कर देगी हमको अमीर बना देगी लेकिन लॉन्ग टर्म में ही हमको बर्बाद करके रख देगी चूकि इससे इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा है तो बहुत सारे पॉइंट्स में नेहरू जी की पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया गया है और ये पॉइंट्स बहुत वैलिड भी थे आज की डेट में हम प्राइमरी एजुकेशन में भी पीछे हैं। आज की डेट में एग्रीकल्चर में भी हम कोई, -कोई बहुत खासा आगे नहीं और इन्वायरमेंट तो बेकार जा ही रहा है दिल्ली के पॉल्यूशन की हालत आपको पता है दिल्ली छोड़ो नॉर्थ इंडिया के बहुत से मेजर ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉल्यूशन की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है दुनिया भर के जो बीस मोस्ट पॉलिटेड स्टेट उसमें सात आठ दस तो इंडिया में ही आते हैं इनफैक्ट दस से ज्यादा अब यहाँ पे एक फोटो आइकॉनिक फोटो नेहरू जी भिलाई स्टील प्लांट गए थे भिलाई स्टील प्लांट 1951-9 में बना था सोवियत यूनियन की मदद से ये बैकवर्ड रूरल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है और आप कह सकते हो कि मॉडर्न इंडिया की मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जो मॉडर्न इंडिया बना उसके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस साइन था ये मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी ये खड़े आपके नेहरू साहब अब यहाँ पे

Our people must have the sensation of partnership in a mighty enterprise, of being fellow travelers towards the next goal that they and we have set before us. The plan may be and has to be based on the calculation of economics, statisticians and like, but figures and statistics, very of important as they are, do not give life to the scheme, that breath of life that comes in other ways, and is for us now to make this plan, which is enshrined in cold print, something living. समझा देता हूँ क्या लिखा है नहीं समझ में आया हो तो। चूंकि भैया नेहरू साहब की रिटिन स्किल्स बहुत जबरदस्त थी तो उस समय पर जो उन्होंने स्टेटमेंट्स लगा आजकल बड़े बड़े जो अंग्रेजी सीखने वाले उनको नहीं समझ में आएंगे तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के बेस में नेहरू साहब क्या बोल रहे हैं देखिये इंडिया जो इतना बड़ा नेशन है जो इतना डाइवर्स नेशन है कल्चरली डाइवर्स रीजन से डाइवर्स क्लास से डाइवर्स पैसे से डाइवर्स इंडिया को अगर यूनाइट करना है और इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे

कि गवर्नमेंटल मशीनरी कितनी भी बड़ी हो कितना भी बड़ा आप प्लांट लगा दो जब तक लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे वो चीज नहीं होगी कहीं ना कहीं जो जवाहरलाल नेहरू ये बात लिख रहे थे वो इस टर्म्स में भी लिख रहे थे कि जो बड़े बड़े डैम्स बन रहे थे ना उन डैम्स के चलते बहुत सारे लोगों को उस जगह से हटा के रीलोकेट करके किसी दूसरी जगह लेके जाया जाता था अभी आप रीलोकेट करोगे किसी एक जगह से तो वो लोग यहाँ पे बवाल करेंगे तो नेहरू जी उनको भी इस लेटर के थ्रू कॉल दे रहे हैं कि देखिए अगर आपकी जमीन छिन रही है तो वो देश के ग्रेटर कॉस्ट के लिए छिन रही है और उसके लिए हम आपको दूसरी जगह जमीन देंगे जहां पे आप जाके लाइवलीहुड अपने सको हालांकि दूसरी जगह मिल नहीं पाई जमीनों को जिन लोगों को भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पे हटाया गया ना उनकी जमीन से उनके साथ बहुत बुरा हुआ इसको मैंने पॉलिटी के में पढ़ाया है आप जाके वहां पर देख लीजिए फिर आगे नेहरू साहब क्या बोले जो भी फाइव ईयर प्लान बनेगा उसमें बहुत सारे जो मतलब जो बेसिक प्रोविजन है वो कुछ इस तरीके से बनाए जाएंगे कि देखिए इकोनॉमिस्ट स्टैटिस्टियन बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं उन कैलकुलेशंस के हिसाब से ये फाइव ईयर प्लान बनाते हैं और ये जो फाइव ईयर प्लान्स हैं इन कैलकुलेशंस के हिसाब से जब इन प्लान के अंदर की स्कीम्स को प्रॉपरली ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट किया जाएगा तो ही ये जो फाइव ईयर प्लान की स्कीम है ये सक्सेसफुल होने वाली है चूंकि लॉन्ग टर्म में लोगों के इमेजिनेशन के साथ ये प्लान्स जोड़ने चाहिए ताकि उनकी डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले कर सके हालांकि कहीं ना कहीं दोस्तों जिस तरीके से इन प्लांट्स को एनविसेज किया गया था उस तरीके से प्लांट्स आगे बढ़े नहीं है कुछ लोगों को तो इनका बहुत फायदा हुआ बहुत ज्यादा अमीर हो गए हैं बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं और कुछ गरीब के गरीब रह गए इसके आगे एग्जाम्पल दिए जाएंगे यहाँ पे आपको इस फोटो में जवाहरलाल नेहरू और वी के कृष्ण मेनन दिख जाएंगे कृष्ण मेनन साहब डिफेंस मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे फॉरेन मिनिस्टर भी थे साहब के बारे में दोस्तों ये बोला जाता है देखिए ये डिफेंस मिनिस्टर रहे थे 1962 तक 57, 62 तक 57-62 जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो गई 1950 में उसके बाद अगर देश में जवाहरलाल नेहरू जी के बाद कोई इसको सबसे ज्यादा ताकतवर माना गया तो वो थे वी के कृष्ण मेनन साहब कृष्ण मेनन साहब बहुत ताकतवर इंसान थे मतलब जवाहरलाल नेहरू जी के बाद सबसे ज्यादा ताकत इनके पास ही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल तो की मृत्यु हो चुकी थी लेकिन 1962 में इंडिया चाइना वॉर जब छिड़ा था वहां पे जो हैंडलिंग थी कृष्ण मेनन साहब की वो काफी गड़बड़ थी इसके लिए उनको आज तक क्रिटिसाइज किया जाता है चलिए बात करते हैं द सर्च ऑफ एन इंडिपेंडेंट फॉरन पॉलिसी इंडिया को फ्रीडम मिल गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तबाही मच गई पूरी दुनिया में 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर हुआ था बाद में एक इंटरनेशनल बॉडी बनी यूनाइटेड नेशंस 1945 1950s में में और 1960s में,

यूएसए ने बहुत कोशिश की थी इंडिया के साथ दोस्ती बनाने की बट एक लेवल के आगे यूएसए के साथ इंडिया दोस्ती नहीं चाहता तो उसका रीजन पता है क्या है क्योंकि अगर इंडिया यूएसए के साथ दोस्ती कर लेता तो उसको यूएसए के कैपिटलिस्ट ब्लॉक में जाना पड़ता है इसलिए नेहरू जी ने यह चुना कि हम अपने आप को नॉन अलाइंड रखेंगे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो हमारी है उसको मेंटेन रखेंगे देखा जाए तो उस समय पे देखोगे तो ये डिसीजन बहुत अच्छा था बट लॉन्ग टर्म में डिसीजन खराब हो गया क्योंकि अगर यूएसए की दोस्ती इंडिया एक्सेप्ट कर लेता तो शायद चाइना हमसे अक्सर ही चीन ना छीन पाता जैसा कि उन्नीस के बाद में चाइना ने कर दिया चलिए वो एक अलग चीज है अब ये जो समय है 1950s का 1960s का दुनिया भर में जो कोलोनियल अंपायर उनकी बाउंड्री कम हो रही है बहुत सारी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिल रही है जवाहरलाल नेहरू जी जो कि प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर भी थे वो इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर को फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरीके से फ्री बनाना चाहते थे वो अपने आप को नॉन अलाइंड रखना चाहते थे उनकी फॉरेन पॉलिसी का मेजर स्टेप क्या था हम नॉन अलाइंड है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत हुई कैसे नाम की शुरुआत हुई इजिप्ट यूगोस्लाविया इंडोनेशिया और घाना के लीडर्स के साथ मिलके इंडिया ने बोला भैया नॉन अलाइन मूवमेंट यानी हम वो कंट्रीज हैं जो ना यूएसए लेड अलायंस में है ना यूएसएसआर लेड अलायंस में है, हम भैया अलग हैं आप देखिए यूएस को कोई ना कोई चाहिए था इस डोमेन में यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए इंडिया नहीं मिला तो यूएसए किसके साथ सेटल कर जाएगा चाइना के साथ 1970s में जो यूएस के प्रेसिडेंट थे निक्सन उन्होंने चाइना के साथ दोस्ती बढ़ाई जो कि इंडिया के साथ एक लेवल से ज्यादा दोस्ती नहीं हो पा रही थी और कहीं ना कहीं उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी अपनी दोस्ती बनाई और इंडिया कहीं ना कहीं आइसोलेट होता यहां पे नजर आएगा अब आप देखिए उस समय पे दोस्तों ये जो पॉलिसी थी आपकी कि हम अलाइंस में नहीं रहेंगे हम आइसोलेटेड रहेंगे न्यूट्रल रहेंगे, मतलब मतलब रहेंगे मतलब कि हिस्सा नहीं बनेंगे बट अगर उन गुटों के बीच में हम किसी भी तरीके से निगोशिएटर की तरह काम कर सकते तो हम करेंगे तो इंडिया ने बहुत से इंस्टेंसिस में अमेरिकन ब्लॉक्स और सोवियत ब्लॉक्स के बीच में पीस स्थापित करने की बात की थी लेकिन उस समय इंडिया कंट्री की इतनी औकात नहीं थी कि इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज इतनी बड़े, -बड़े जो ग्रुप्स थे, अमेरिका और इनके बीच में ये रहा था। पाकिस्तान के साथ उन्नीस सौ बासठ में युद्ध तो पाकिस्तान कहीं, ये, इंडिया कहीं ना कहीं परेशान था ओके, तो भाई ये जो नॉन अलाइन कंट्रीज है भले इन्होंने बोला कि हम किसी भी तरीके के अलायंस में शामिल नहीं होंगे हम नॉन अलाइंड रहेंगे लेकिन इन हर कंट्रीज ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई युद्ध तो लड़ाई है नाइनटीन तक आप देखोगे बहुत सारी कंट्रीज नॉन अलाइन मूवमेंट को जुड़ जाएंगी और नाइनटीन में जब चाइना पे चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया ये जितनी भी नॉन अलाइंट कंट्रीज थी ना इजिप्ट योगोस्लाविया जो नॉन अलाइनमेंट का झंडा लेके चल रही थी किसी ने एक लाइन भी नहीं बोली इंडिया के फेवर में ठीक है तो कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी में शायद उस समय नेहरू जी को समझ में आया कि किसी के साथ एक लिमिट से ज्यादा दोस्ती कर लेने से नॉन अलाइनमेंट कर लेने से पीस का सिद्धांत देने से एक्चुअली में कुछ होने वाला है नहीं चाइना जैसी चालाक कंट्रीज को उनके ही तरीकों से डील करना पड़ता है चलिए आगे बात करते हैं यहां पर आपको देख रहे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज के जो बांध इंडोनेशिया में मिल रहे हैं 1955 में इसमें ट्वेंटी न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया और यह बोला गया कि कैसे जो न्यूली फ्रीड कंट्रीज है अफ्रीका की एशिया की यह कोलोनियम के अगेंस्ट और वेस्टर्न डोमिनेशन के अगेंस्ट अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे आगे चलते हैं द नेशन सिक्स पंद्रह अगस्त दो हजार सात को हमारा देश 60 साल कंप्लीट कर चुका है फ्री नेशन होने को 1947 अगर अभी से कैलकुलेट किया जाए तो 53 थ्री ईयर्स ये और 20 ईयर्स दो चल रहा है तो 73 थ्री ईयर्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट हमें आजाद हुए लेकिन क्या इस आजादी के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आइडियल्स लिखे हैं हमने उनको पूरा कर लिया है देखा जाए तो इंडिया आज भी आजाद है इंडिया आज भी डेमोक्रेटिक है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स ने हमारे देश को एनविसेज किया था कि डेमोक्रेसी रहेगा लोगों के राइट्स का ध्यान रखेगा तो वो थोड़ा बहुत तो हुआ है बट क्या पूरी तरीके से हुआ है बहुत से फॉरेन ऑब्जर्वर्स का ये बोलना था कि इंडिया एक सिंगल कंट्री की तरह सरवाइव नहीं कर पाएगा इंडिया बहुत सारे छोटे-छोटे हिस्सों में टूट जाएगा बन के रह सका, उसका रीजन क्या था उसका रीजन ये था दोस्तों कि हमारे देश में लिंग्विस्टिक ग्रुप्स उस तरीके से उठ के नहीं आए जिस तरीके से दूसरे देशों में उठ के आए उसको हम देखेंगे हमारे देश में जैसे हमारा देश आजाद हुआ दोस्तों लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के आधार पे स्टेट्स बनाए गए तो जो पहला अपोजिशन हो सकता था हमारी नेशनल यूनिटी को उस अपोजिशन को हमने खत्म कर दिया बहुत सारे लोगों को यह बोलना था कि हमारा मिलिट्री रूल आ जाएगा नहीं हुआ थर्टीन जनरल इलेक्शन हो चुके हैं जब से इंडिया ने इंडिपेंडेंस हुई सरकारें बदलती हैं हमारी जो मिलिट्री है वो सरकारों को रिपोर्ट करती है ऐसा नहीं कि मिलिट्री कल की डेट में उठ के कूप खड़ा कर दे ये इंडिया में नहीं हो सकता हमारे यहाँ पे स्टेट इलेक्शंस होते हैं लोकल इलेक्शंस होते हैं फ्री प्रेस है इंडिपेंडेंट जुडिश्री है लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं अलग अलग फेथ्स को फॉलो करते हैं और तब भी वो इंडिया में रहकर इंडिया की नेशनल यूनिटी को मेंटेन करते हैं लेकिन तब भी डीप डिविजन है कुछ प्रॉब्लम्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के बाद भी आज भी अनटचेबल्स की हालत खराब है जिनको गलत बोला जाता है जो शेड्यूल कास्ट के मेंबर्स हैं उनके खिलाफ वायलेंस होता है डिस्क्रिमिनेशन होता है रूरल इंडिया में उनको नॉर्मल सोर्सेस से पानी नहीं पीने जाता टेंपल में एंट्री नहीं करने दी जाती में पब्लिक में घुसने तो नहीं दिया जाता है चीजें सुधर रही हैं धीरे धीरे सुधर रही हैं जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए अब तक चीजें सुधर जानी चाहिए थी बट अनफॉर्चुनेटली सुधरी नहीं है फिर भाई हमारे संविधान में सेक्युलर आइडियल्स हैं उसके बाद भी आप रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में दंगे होते दिखोगे लड़ाई होते दिखोगे इतने समय में जो रिच और पुअर है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ता ही गया है जैसा कि मैंने बताया जो फाइव ईयर प्लान्स के थ्रू डेवलपमेंट हुआ और बाद में जो भी डेवलपमेंट हुआ उससे कुछ लोग तो इतना ज्यादा बढ़ गए इतने ज्यादा अमीर हो गए कि वो बड़े बड़े घरों में रह सकते हैं एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में खाना खा सकते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने के लिए भेज सकते हैं भाई महंगे महंगे फॉरन टूर्स ले सकते हैं और वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे अर्बन स्लम्स में रह रहे हैं रिमोट विलेजेस में रह रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाना तो छोड़ो खाने का समय नहीं है उनके पास धारावी स्लम की फोटो है दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम्स है ये देखिए यहाँ पे कैसे लोग रह रहे हैं और यहाँ देखिए बिल्डिंग बैकग्राउंड में तो मुंबई एक ऐसी जगह है जहां पे आपको स्टार्क अमीरी और स्टार्क गरीबी मतलब हाई अमीरी और एक्स्ट्रा हाई गरीबी कुछ मीटर के गैप में ही दिख जाएगी तो ये मुंबई एक ऐसा शहर है आगे बात की जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ बट एक्चुअली में जो रियल लाइफ है उसमें से कुछ इंडियंस तो भैया बहुत ही ज्यादा ऊपर हैं कुछ बहुत ही ज्यादा नीचे हैं तो भाई इंडिपेंडेंस का ये जो स्टैंडर्ड था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ पॉलिटिकल सेंस में तो ठीक है कि चलिए आप जुडिशरी के पास जा सकते हो हालांकि पूरी तरीके से पॉलिटिकल सेंस में भी नहीं है क्योंकि कहीं कहीं पे ये भी रिपोर्ट सुनने को मिलती है कि जो अमीर है वो तो आराम से जुडिशियरी की मदद ले लेंगे बट जो गरीब है वो कैसे मदद लेंगे तो भाई आप देखिए कि इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद पूरी तरीके से हमने जो जो भी अपने लिए बेंच मार्क्स रखे थे टारगेट रखे थे हम उनको देखिए अचीव नहीं कर पाए ये रियलिटी है अब बात करते हैं भाषा के नाम पे हुए एक और बड़ी लड़ाई के बारे में श्रीलंका में क्या हुआ 1956 में जब इंडिया में इंडिया के स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा था भाषा के आधार पे उस समय पे श्रीलंका की जो पार्लियामेंट है जिसको सेलोन कहा जाता था उन्होंने एक एक्ट लेके आए जिससे उन्होंने सिन्हला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया कंट्री की अगर आप ये श्रीलंका का मैप देखो तो ये जो नॉर्दर्न हिस्सा है ना और कुछ हद तक जो ईस्टर्न हिस्सा है यहां पे तमिल्स बहुत रहते हैं और बाकी जो मेजोरिटी डोमिनेंट पॉपुलेशन है श्रीलंका की वो सिन्हला लैंग्वेज बोलती है वो बुद्धिस्ट है तो यहां पे आप देखोगे कि, कि सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना यानी सारे स्कूल्स में सारे कॉलेजेस में सारे एग्जाम्स में सारे कोर्ट्स में लेजिस्लेचर में हर जगह सिन्हला लैंग्वेज बोली जाएगी कोई और लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी तमिल इसको गुस्सा आ गया तमिल ने बोला भाई हमारी लैंग्वेज को आप कैसे छोड़ सकते हो एक तमिल एम्पी ने खड़े होकर बोला वेन यू डिनाई मी माई लैंग्वेज यू डिनाई मी एवरीथिंग दूसरे ने बोला यू आर होपिंग फॉर अ डिवाइडेड अडेड से नॉट फियर आई अश्योर यू दैट यू विल है डिवाइडेड सेलोन यानी कि अगर आप धर्म के नाम पे कंट्री को डिवाइड करने की बात कर रहे हो सिन्हा को हमारे ऊपर इंपोज करके तो आप चिंता मत करो डिवाइडेड हो जाएगा श्रीलंका कुछ कुछ याद है मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि टीटी कृष्ण मचारी साहब ने क्या बोला कि अगर हिंदी हम पे इंपोज करोगे तो भाई हम आपके इस नेशन के इंटीग्रेशन में मदद नहीं कर पाएंगे तो टिटी कृष्ण साहब और यहां श्रीलंका का जो एम बोल रहा है दोनों एक ही चीज है और आप देखिए दोस्तों ये एक्ट पास हो गया और इस एक्ट के पास होने के बाद जो इतना बड़ा सिविल वॉर चला है आपका श्रीलंका में कहीं ना कहीं लैंग्वेज के आधार पर चला है कहीं ना कहीं जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी थी इसको इसको सपोर्ट की की जरूरत जरूरत थी थी एक एश्योरेंस कि हाँ भाई हम आपकी बात मानेंगे और इंडिया में एश्योरेंस मिला है स्टेट्स को उनकी लैंग्वेज सेफ है तभी आज की डेट में इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो ह्यूमन प्रोग्रेस में आप कह सकते हो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस में इंडिया में एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं

जिसको बोला गया वेस्ट पाकिस्तान था इधर था आपका प्रेजेंट डे बात जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान ये 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 दोनों टूट गए कहीं न, कहीं ना इसमें ये बोला गया कि ये जो वेस्ट पाकिस्तान है ये उर्दू को इंपोज करने की कोशिश कर रहा था ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर जबकि ईस्ट पाकिस्तान की, की लैंग्वेज थी बंगाली बहुत और सी वजह थी इन दोनों के बीच में लड़ाई होने की बट ये भी एक मेजर वजह थी वेस्ट पाकिस्तान उर्दू को ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर इंपोज करने की कोशिश कर रहा था और जो सेंट्रल वहां की पार्लियामेंट थी उसमें ईस्ट पाकिस्तान को इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था जबकि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा थी तो इसके चलते इन दोनों में लड़ाई हुई इंडिया ने मदद की और बांग्लादेश बन गया तो आप सोचिए कि ऐसे सर्कमस्टांसिस में जहां पे हम अपने ही नेबरशिप में देख रहे हैं कि श्रीलंका यहाँ है पाकिस्तान यहाँ है ये लोग टूट रहे हैं भाषा के आधार पे वहीं पे इंडिया अगर हिंदी को इम्पोज कर देता साउथ इंडिया के ऊपर तो इस चीज़ को एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल नहीं था कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती थी तो कहीं ना कहीं ये जो जवाहरलाल नेहरू जी का डर था और सरदार पटेल जी का डर था ये गलत साबित हुआ जब इंडिया में लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने हैं ना इससे इंडिया कमजोर नहीं हुआ है इससे इंडिया और ताकतवर हुआ है चूंकि लोगों का जो है डर था कि उनकी लैंग्वेज को दबा दिया जाएगा उनकी आइडेंटिटी को दबा दिया जाएगा चूंकि लोगों की लैंग्वेज उनकी भाषा होती है तो आपकी शक्ल के बाद अगर आपकी पर्सनैलिटी को शक्ल लंबाई चौड़ाई और आपके इन सब चीज़ों के बाद अगर कोई आपकी पर्सनालिटी को पकड़ेगा तो किससे पकड़ेगा आपकी बोलचाल से और बोलचाल आप किसमें करोगे भाषा में करोगे तो अगर आपकी भाषा को दबा दिया मतलब आपकी आइडेंटिटी को दबा दिया और इंडिया में ऐसा नहीं हुआ और आप देखिए आज की डेट में इंडिया उतना ही यूनाइटेड है उतना ही स्ट्रांग है और पूरा रिप्रेजेंटेशन से आगे बढ़ रहा है तो लैंग्वेजेस के आधार पर प्रोविंसेस बनाना ये जो स्टेप था इसने देश को कमजोर नहीं किया इसने देश को स्ट्रांग किया यहाँ पे क्लास टेंथ की ये जो हिस्ट्री है दोस्तों हम खत्म करते हैं क्लास एट्थ की सॉरी क्लास एट का टेंथ चैप्टर खत्म पूरी हिस्ट्री खत्म क्लास नाइन्थ में जल्दी आपसे मिलूंगा थैंक यू फॉर हैव अ ग्रेट डे